more blood. Come. तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, पहली बार ऐसा हो रहा है कि डायनासोर जो है शेर खान पर भारी होते नजर आ रहा है। इट मींस ये कि भाई जब डायनासोर अपने पे आ जाता है ना, तो उसके सामने किसी भी जानवर की चलती नहीं है। यानी कि ये कि बरबास भाई जो सालार से रिकॉर्ड फाड़ कमाई करते रोज नजर आ रहे हैं, जो आज संडे पर भाई जबरदस्त तबाही कर रहा है, जिसने ओपनिंग बड़ी सॉलिड करी थी 178 करोड़ के साथ, भाई अलग ही लेवल के रुझान चल रहे हैं सालार के साथ। लेकिन भाई डंकी जो देखा जा रहा था कि बहुत ही सॉलिड कॉम्पिटिटर शामिल होगी, यस हो रही है, लेकिन सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में शामिल हो रही है। भाई अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिल रहा है हिंदी लैंग्वेज से, लेकिन उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है जैसा जवान जैसे पठान के टाइम पर हमें देखने को मिला था। और नो डाउट राजकुमार हिरानी का ये कंटेंट कोई बेकार है, बिल्कुल मूवी मस्त है, ऐसा कुछ भी नहीं कि ये बेकार है, लेकिन फिर भी उतना अच्छा रेस्पॉन्स फिलहाल नहीं मिल रहा है। लेकिन हिंदी से वही फाड़ के रखा है। ये तो है कि प्रभास को पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदी से जो सॉलिड कंटेंट लेके बैठे हैं, जबरदस्त मूवी लेके बैठे हैं, बावजूद इसके हिंदी से भाई वो कमाई नहीं करने दे रही है जो अक्सर प्रभास अपनी मूवी के साथ करते हैं। लाइक बाहुबली 2 में जो फाड़ करी थी, भाई डंकी की बात करेंगे आज, कैसा क्या सिनेरियो है, कितने मतलब आज चौथा दिन है डंकी मूवी का, संडे है, संडे होने के बावजूद भी कैसी क्या कमाई आ रही है, पहले 3 दिन में कितना कमाया, पूरी दुनिया से, नेट इंडिया से, ग्रॉस कलेक्शन से, क्या करना है। वीडियो को एक लाइक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब डंकी आज डे 4 की अगर मैं ऑक्यूपेंसी बताऊं तो मॉर्निंग सोच की थी 27%, आफ्टरनून सोच की है 52% एंड इवनिंग सोच की है 66%। तो डंकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी इस मूवी की है आज 48% के आसपास। भाई साहब देखा जाए तो ठीक है ऑक्यूपेंसी, लेकिन ये सिर्फ ऑक्यूपेंसी हिंदी लैंग्वेज में है और मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेंसी नॉर्थ रीजन में ही है। तो पहले 4 दिन में कितना क्या कमाया, उससे पहले डे 1 का कलेक्शन देखे भाई साहब, नेट इंडिया से ये मूवी 29 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन कर चुकी थी। फर्स्ट डे ओपनिंग ये रही है जो कि ठीक ठाक था, एवरेज थी, जिस हिसाब से इससे उम्मीद करी जा रही थी वो कलेक्शन नहीं देखने को मिली, क्योंकि नेट इंडिया से 45-50 करोड़ का अजम्पशन सेट करके जा रहा था, लेकिन ठीक है एवरेज ओपनिंग रही है। देन डे 2 फ्राइडे में भाई साहब गिरावट आई 31% की और 20 करोड़ 12 लाख का कलेक्शन डे 2 में देखने को मिला है। डे 3 पर भाई सैटरडे यानी कल को ये मूवी 25 करोड़ 61 लाख, थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ा, ग्रोथ करते नजर आई है थर्ड डे पर। लेकिन आज संडे पर जो हाल चल रहे हैं भाई, उस हिसाब से जैसे संडे पे कमाई करनी चाहिए मूवी को, शाहरुख खान जैसा नाम है, राजकुमार हिरानी जैसा नाम है अगर मूवी के साथ, तो संडे को भाई बहुत बड़ी कमाई हम एक हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन पहले 3 दिन में नेट इंडियन कलेक्शन 74 करोड़ 93 लाख का हुआ है। ओवरसीज से पहले 3 दिन में ये मूवी 68 करोड़ 75 लाख कमा चुकी है। पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक यानी पहले 3 दिन में 157 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन रहा है। और आज डे 4 की बात करें भाई, संडे पे कैसा क्या रुझान है, तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी लगभग 48% के हिसाब से मूवी रन कर रही है मॉर्निंग इवनिंग नाइट एंड में, तो जबरदस्त है देखा जाए तो एक बार के लिए ठीक है। लेकिन भाई सालार भी हिंदी में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी ले रहा है, साथ में एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम भाई हॉलीवुड वाले भी एंट्री मार चुके हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इनके हक का वो सोच खा रहे हैं। तो डे 4 में आज अर्ली एस्टिमेट लगभग 26-27 करोड़ आते नजर आ रहा है। और पूरी दुनिया से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक मे बी 200 करोड़ टच कर जाएगी डंकी, तो आज भी लगभग देखा जाए तो ओवरऑल ओवरसीज से यानी पूरी दुनिया से मिला के लगभग 40-42 करोड़ आते नजर आ रहा है, तो क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन वहीं मैं अगर एक्वामैन की बात करूं तो एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम भी अच्छे खासे सोच ले रही है, लेकिन जैसा रेस्पॉन्स मार्वल एंड डीसी मूवीज को पहले मिलता था भाई वैसा नहीं मिल रहा है। जैसे एक्वामैन की फर्स्ट पार्ट ने जो कमाई करके गई थी भाई, वो नहीं लग रहा है कि वो जो एक पीक थी, वो जो एक कमाई थी जो फर्स्ट पार्ट से आराम 55 या 60 करोड़ के आसपास करके गई थी, शायद इस बार वो मंजर देखने को नहीं मिलेगा। 9 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन ये पहले 4 दिन में कर चुकी है, सिर्फ इंडिया रीजन से बात कर रहा हूँ भाई, वर्ल्ड वाइड तो ये जबरदस्त कमाई कर रही है, लेकिन वह भारत में यानी इंडियन सिनेमा में ये 9 करोड़ 20 लाख तो चुरा के ले ही आई है। तो भाई साहब ये है रुझान, आपने दोनों में से कौन सी मूवी देख ली है, डंकी अगर देख ली है तो भाई साहब डंकी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम देख ली तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। भाई मेरे को तो दोनों ही मूवी जबरदस्त लगी, एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का अभी रिव्यू करना बाकी है, तो वो भी जल्दी आ जाएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।